The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab, sat sri akal, dosto, kaise hain aap? Main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. Ye aap hi ka channel hai. Is channel pe di gayi sari jankari absolutely authentic hoti hai. Kisi ek doctor ka विचार नहीं होता है इसमें सारी मेडिकल फील्ड का सारांश होता है जो हम रेफरेंस्ड मेडिकल वेबसाइट से यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से लेते हैं. सो स्पिरुलिना के बारे में आज का वीडियो है, उसके प्रूवन बेनिफिट्स क्या है और उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं आज हम जानेंगे. स्पिरुलिना एक ब्लू ग्रीन एल्गे है जो कि फ्रेश या सॉल्ट वाटर लेक पर ग्रो होता है. एक तरीके का साइनोबैक्टीरिया है, सिंगल सेल माइक्रोब है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है प्लांट्स के जैसे फोटोसिंथेसिस के द्वारा. और इसका बेनिफिट क्या है, ये हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू रखता है. इसके अंदर एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन और आयरन का. सो इसके एक सिंगल स्पून में, एक टेबल स्पून में 7 ग्राम ड्राइड स्पिरुलिना पाउडर में 4 ग्राम प्रोटीन होता है, B1 विटामिन, B2, B3, कॉपर और आयरन अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. इसके अलावा मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैंगनीज और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. इसके अंदर 1.7 ग्राम डाइजेस्टेबल फैट, कार्ब्स भी पाए जाते हैं. केवल 1 ग्राम फैट होता है इसमें, 20 कैलोरीज होती है बस, ठीक है. और इसके अंदर दोनों ओमेगा 3 ओमेगा 6 दोनों होते मौजूद 1.5 to 1.0 के रेशियो में, ठीक है. अब आगे देखें तो इसके बेनिफिट क्या है, क्या फायदा होता है अगर इसको आप लेते हैं, ठीक है. आपने सुना होगा बहुत सारे लोग इसे लेते हैं, एस्ट्रोनॉट्स इसे के ऊपर स्पेस में जाते हैं. सो इसको अगर रेगुलरली लिया जाए तो कहने के लिए तो आपको वीडियोस में बहुत करोड़ों बेनिफिट्स बता दिए जाएंगे, मगर जो प्रूवन बेनिफिट है आज सिर्फ वही आपको बताएंगे. जो प्रूवन रिजल्ट देखे गए हैं कि इसको अगर आप रेगुलरली लेते हैं तो ब्लड प्रेशर में फायदा देखने को मिलेगा, शुगर में फायदा देखने को मिलेगा, शुगर लेवल्स, बीपी लेवल्स कम होते हैं और कई सारे क्लेम्स हैं इसके ऊपर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, लेकिन इन सब के ऊपर रिसर्च अभी चल रहा है. कुछ पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि वो उसमें बेनिफिशियल होगा या नहीं, मगर शुगर ब्लड प्रेशर में बेनिफिशियल है. और इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो आईज और स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है. तो स्किन और आई के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है और है भी. इसके अलावा क्या ये सेफ है, पहली बात तो ये, क्या इसके अंदर साइड, देखिए नेचुरली जो ग्रो होते हैं नेचुरल सेटिंग्स में, आप लेक वाटर की बात करेंगे तो लेक वाटर कोई साफ सुथरे तो रह नहीं गए, दुनिया भर के कंटामिनेशंस उसके अंदर होते हैं. तो उस कंटामिनेशंस में हैवी मेटल्स, लिवर टॉक्सिन्स, हार्मफुल बैक्टीरियाज हो सकते हैं. सो अनलेस एंड अंटिल इन सब चीजों को सही या तो आर्टिफिशियल सेटिंग में ग्रो किया जाए और वहां से उसको लिया जाए, या नेचुरल वाले को उसको डीकंटेमिनेट किया जाए, तब तक वो सेफ नहीं होता है. मतलब कि उसके अंदर अगर कंटेमिनेटेड वाला, प्रदूषित अगर आप स्पिरुलिना ले लेंगे तो उससे आपको उल्टी, वीकनेस, शॉक, डायरिया, डिजीनेस, लिवर डैमेज भी हो सकता है. इसीलिए केवल और केवल ऐसे टेस्टेड को प्रोडक्ट्स को ही आप यूज करें जो टेस्टेड है और FSSAI से अप्रूव्ड है आपके खाने के लिए. सो ऐसे में आप कितने ले सकते हैं, स्पिरुलिना का रेकमेंडेड डोसेज, स्टैंडर्ड डोसेज 1 से 3 ग्राम तक है. और तो कई जगहों पे कई लोग इसे 10-10 ग्राम तक लेते हैं, लेकिन FSSAI के द्वारा जो लिमिट बताई गई है कि आप इसे 3 ग्राम, 1 से 3 ग्राम मुंह से ले सकते हैं, 6 महीने तक ले सकते हैं 1 से 3 ग्राम. इसके अलावा अगर अपने लिए अगर आप लेना चाहते हैं, कोई और कंडीशन के लिए लेना चाहते हैं, बीपी शुगर के लिए लेना चाहते हैं, तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करें और उनकी सलाह के अनुसार लें. तो एक स्पिरुलिना अगर हमसे पूछेंगे तो दिस इज ऑल्सो वन वेरी गुड ब्रांड, हिमालयन ऑर्गेनिक्स. ऐसा एक ब्रांड आपको लेना है जो FSSAI, GMP, ISO अप्रूव्ड हो, लैब टेस्टेड हो, जिसके अंदर के आपको आपके हार्ट के लिए, एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए बहुत सारी बेनिफिट मिले और इन बेनिफिट्स को अप्रूव करने के लिए आपके सारे के सारे कोई हार्श केमिकल्स ना हो इसके अंदर. ऐसा एक पर्टिकुलर ब्रांड जैसे कि ये ब्रांड है, आप इसे ले सकते हैं, ठीक है. अब अगर लेते हैं तो आपकी इम्यून सिस्टम को भी काफी बेनिफिट मिलेगा, काफी स्ट्रॉन्ग कर सकता है ये. इसका लिंक अगर आप लेना चाहें तो इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, जरूर ट्राई करें, ठीक है. तो 4 वेज कैप्सूल्स में 2 ग्राम है, मतलब आप इसे 4 वेज कैप्सूल पर डे ले सकते हैं या 6 भी ले सकते हैं. तो आप इसे 2 से शुरू करें, धीरे धीरे अपन बढ़ाएं. सो इसके प्रिकॉशंस क्या है, क्या दुनिया भर के सब लोग ले सकते हैं, नहीं. जो प्रेग्नेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं वो ना लें, जो बच्चे हैं वो ना लें, क्योंकि इन ग्रुप्स पे सेफ्टी लेवल्स अभी 100% एश्योर्ड नहीं है. दूसरा, जिनको किसी भी प्रकार की इम्यून सिस्टम एक्टिव होने के, हाइपर एक्टिव होने की बीमारी है,
हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम यानी ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं वो ये ना लें, बिकॉज स्पिरुलिना आपके इम्यून सिस्टम को ज्यादा एक्टिवेट कर सकता है। सो ऑटो इम्यून डिजीजेस वाले लोग इसे ना लें। उसके अलावा अगर आप इसे लेते हैं और आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज वाली शुगर की दवाई आपका हो सकता है आपको कम करनी पड़ेगी। शुगर लेवल्स किसी के ऑलरेडी मान लो जो बहुत कम आते हैं उसका और लो हो जाए। इम्यूनो सप्रेसेंट अगर आप लेते हैं तो और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। खून पतला करने की दवा लेते हैं तो ब्लड क्लॉटिंग और ज्यादा, क्योंकि इट स्लोज डाउन क्लॉटिंग तो ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है, तो स्पिरुलिना से ब्लीडिंग का रिस्क भी बढ़ता है। ये हल्का सा बढ़ता है, ध्यान रखें। तो अगर आप ब्लड थिनर लेते हैं, बीपी शुगर की दवा लेते हैं तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं अगर आप स्पिरुलिना लेना चाहते हैं, या अगर आप कोई आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं खून पतला करने की, राइट, कोई भी आप शुगर की दवा ले रहे हैं, बीपी की दवा ले रहे हैं, ब्लड क्लॉटिंग कम करने के लिए ये सब में से कुछ भी ले रहे हैं, तो आप इवन आयरन का साथ आयरन की गोली ले रहे हैं तो स्पिरुलिना को आयरन के साथ नहीं ले। स्पिरुलिना में भी आयरन होता है लेकिन आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है कम कर सकता है आपके अलग से खाए हुए आयरन का। सो इन सब बातों का ध्यान रखें तो स्पिरुलिना आपके लिए बहुत बढ़िया है। सो ये मेक श्योर करें कि आप एक डॉक्टर को कंसल्ट हमेशा करें। नंबर दो, अपनी लाइफस्टाइल को करेक्ट करें। अगर अच्छी इम्यूनिटी, अच्छी हेल्थ, अच्छी शुगर, अच्छा ये सब चाहते हैं तो सबसे जरूरी है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल से बड़ा कोई एक सप्लीमेंट कभी नहीं हो सकता। सो इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो, और शेयर करें। हमसे बात करने के लिए, कंसल्ट करने के लिए ये नंबर दिया गया है, कंसल्ट कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।